स्टूडेंट्स, मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ एलन गाइड चैनल में। आज मैं फिर से आप लोगों को फैक्टराइजेशन का सिखाने वाला हूँ, जिसको हिंदी में गुणनखंड भी बोलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टाइप के वीडियोस, मैथ्स और एडुकेशनल वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। 8 का 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन इस पर ज़्यादा हमारा सवाल सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए लोगों को ज़्यादा थोड़ा सा ये माइंड में नहीं रहता है। तो एक्चुअली मैक्सिमम इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज़ किया गया है, मतलब यूज़ होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, इसका फार्मूला आपने देखा होगा, सबसे लास्ट में रहता है फार्मूला, जो भी आपने पढ़ा होगा उसमें सबसे लास्ट में रहता है। इसलिए इस पर मैक्सिमम सवाल नहीं, बहुत कुछ कुछ गिने चुने सवाल सॉल्व होते हैं। तो इसका फॉर्मूला है आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही फॉर्मूला है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए इसी फॉर्मूला पे ये पूरा का पूरा मैक्सिमम सवाल इसी फॉर्मूले पे सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 8x³ माइनस y³ प्लस 1 प्लस 6xy। ठीक है, तब यहाँ पे हमें उस फॉर्मूला में ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 8x³ को लिख सकते हैं 2×x³, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस वाई का होल क्यूब, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 1 का होल क्यूब, और यहाँ पे माइनस में हम यहाँ पे लिखेंगे देखिए 3 इंटू ए, ए यानी कि हमारा यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 2x इंटू बी, बी कितना है हमारा y है, y यानी कि माइनस वाई। अब यहाँ पे और c क्या है हमारा, 1 है, तो c या c 1 है, तो यहाँ पे इंटू 1। अब देखिए कि माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, यहाँ पे 3 × 6xy यानी कि ऊपर वाले लाइन के बराबर है। अब इसके बराबर में क्या हमने बताया था, अभी आपको इसके बराबर में हम ये आपको बताए थे ए प्लस यानी कि प्लस माइनस माइनस ए प्लस पी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर यानी कि 4x² प्लस बी स्क्वायर यानी कि आपका माइनस वाई का स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस y², यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यहाँ पे आपका प्लस, उसके बाद माइनस में ए बी यानी कि 2x × -y, 2x यानी कि 2x माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस बी सी यानी कि माइनस माइनस प्लस y और -1, ये हमारा हो गया। अब देखिए हम इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2x - y + 1, उसके बाद यहाँ पे 4x² - y² + 1 + 1, ये माइनस वन नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई था ना, -1 कहाँ से आ गया, ये एक स्टेप हमने यहाँ पे छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे हमारा ए बी, यहाँ पे हमारा हो गया ये ए बी बी सी और सी ए, सी ए यानी कि यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2×x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा देखिए क्या हो गया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, इसको मतलब मैं सोचा था कि इसको कहीं जोड़ या घटाव करना पड़ेगा, नहीं, ये वही हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8A³ माइनस 27B³ माइनस 1 माइनस 18 AB। यहाँ पे आप देख लीजिए
यहाँ पे फिर उसी फॉर्मूला में हमें सेट करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे हमारा देखिए 2a का क्यूब माइनस माइनस नहीं यहाँ प्लस होगा, माइनस 3b का क्यूब माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस माइनस है यहाँ यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हमारा देखिए माइनस 1 का प्लस माइनस 1 का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 3 इंटू हो जाएगा आपका a, यानी कि a यानी कि हो गया 2a, b यानी कि माइनस 3b, c यानी कि माइनस 1, ठीक है। अब इसको फार्मूला में लिख सकते हैं हम लोग, फार्मूला क्या है, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c यानी कि 2a प्लस 3b प्लस यानी कि माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3b, यहाँ पे प्लस सी है तो प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा सी यानी कि 1, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर। उसके बाद क्या है हमारा बी स्क्वायर यानी कि माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर यानी 3t है 9b स्क्वायर, ठीक है। प्लस सी स्क्वायर यानी कि 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है माइनस ए बी यानी कि माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ए बी यानी कि 3 दुनिया का 6ab, ठीक है। माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3b, ठीक है। प्लस माइनस माइनस उसके बाद सी ए, सी यानी कि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हमारा 2a, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 + 8x³ + 18xy - 27y³। पहला 1 का क्यूब हो जाएगा, दूसरा हमारा है देखिए 2x का क्यूब, यहाँ पे माइनस माइनस 3y का क्यूब। अब हमारा देखिए तीसरा टर्म क्या था, तो यहाँ पे हमारा माइनस में हो जाएगा आपका 3 इंटू आपका ए यानी कि 1, बी यानी कि 2x और सी यानी कि -3y, ठीक है। अब देखिए 3 * 9 = 18xy प्लस में हमारा ऊपर ये ऊपर वाले लाइन के बराबर हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इसको फार्मूला में लिख सकते हैं। तो फार्मूला क्या था हमारा, 1a + b + c यानी कि 1 + 2x - प्लस माइनस माइनस 3y, ये हमारा एक हो गया। दूसरा में क्या था, a स्क्वायर यानी कि 1 + b स्क्वायर यानी कि हमारा 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 3 * 9y² उसके बाद यहाँ पे माइनस ab यानी कि 2x * 1 - 2x = 2x ही हुआ, माइनस bc माइनस माइनस प्लस 3y * 2x यानी कि 3 * 6xy माइनस ca यानी कि माइनस माइनस प्लस 3y, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर में क्या दिया है, देखिए x³ + y³ - 12xy + 64, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या है, यहाँ पे हम देख लीजिए एक हो गया हमारा x³ + y³ + यहाँ पे होगा हमारा 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, तो प्लस 4 का क्यूब
यहाँ पे हमारा देखिए माइनस में 3 इंटू ए यानी कि x, वो बी यानी कि y और सी यानी कि 4। तो यहाँ पे हो गया 4 × 3 = 12, 12xy ऊपर वाले के बराबर हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x प्लस वाई प्लस 4, उसके बाद क्या है ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि चर्चों के 16, उसके बाद क्या है माइनस ए बी, ए बी यानी कि एक्स वाई, माइनस बी सी यानी कि माइनस 4y और माइनस सी ए यानी कि 4x। ठीक है, तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका 3a, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 3a माइनस 2b का क्यूब प्लस 2b माइनस 5c का क्यूब प्लस 5c माइनस 3a का क्यूब दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना इंग्लिश में लिखूंगा, लेट अस सपोज 3a माइनस 2b इज इक्वल टू x मान लेते हैं, ठीक है, 2b माइनस 5c इज इक्वल टू y मान लेते हैं, और 5c माइनस 3a इज इक्वल टू z मान लेते हैं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे x प्लस y प्लस z का क्या, x प्लस y प्लस z क्या होता है, तो x इज इक्वल टू क्या है हमारा, x इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 3a माइनस 2b प्लस 2b माइनस 5c प्लस 5c माइनस 3a। तो यहाँ देखिए 3a कट गया, 2b कट गया, 5c कट गया, यानी कि हमारा x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा। अब हम देखिए, हमने अब सवाल में चलते हैं, तो सवाल में चलेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा सवाल क्या दिया हुआ था, 3a माइनस 2b का क्यूब प्लस 2b माइनस 5c का क्यूब प्लस 5c माइनस 3a का क्यूब। इसको हमने क्या माना था, x माना था, तो इसको x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब लिख सकते हैं। अब क्या है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या था, देखिए हम लोग बताए थे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू आपका ये क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस ac माइनस ca था। तब हम क्या करेंगे, अगर a प्लस b प्लस c क्यू, a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का हमें अगर फॉर्मूला चाहिए होगा, तो ये माइनस है, तो उस दूसरे तरफ ले जाके इसको हम प्लस 3ab c कर सकते हैं, तब ये भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, जैसे देखिए हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस ए बी यानी कि एक्स वाई माइनस बी सी यानी कि वाई जेड और माइनस सी ए मतलब जेड जेड एक्स। ठीक है, अब ये माइनस 3ab था, abc था, वो हमारा इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3xyz। ठीक है, अब ये जीरो हो गया हमारा, ये जीरो है, हमने अभी ये देखा है जीरो, x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू जीरो है, तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू जीरो है, तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा जीरो इंटू ये कोई भी टर्म होगा, ये वाला टर्म उतार लीजिएगा आप लोग, जीरो हो जाएगा प्लस 3xyz। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 3xyz हो गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक और टर्म लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम xyz हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एक टर्म लिखना पड़ेगा, एक टर्म क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कोस्ट में लिख लेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू जीरो है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, 3xyz। अब ये हमको
जो एक्स हमने माना था वो ऑफ वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड वी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड वी गेट क्या मिलेगा हमको, इसको मिटा लेते हैं, हमें क्या मिलेगा देखिए, हमें मिलेगा देखिए x यानी कि 3 इंटू एक्स यानी कि 3a माइनस 2b, बी वाई यानी कि 2b माइनस 5c, जेड यानी कि 5c माइनस 3a, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पांच नंबर क्वेश्चन क्लियर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप थोड़ा सा इधर प्रैक्टिस करिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम आप लोग का ये रिप्लाई करेंगे। छः नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई का क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई का क्यूब प्लस 2y माइनस एक्स का क्यूब। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, ए मान लेते हैं ए क्योंकि x टर्म में है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी, एक्स प्लस वाई को माइनस में ले लेते हैं क्योंकि हमारा प्लस में फॉर्मूला था ना, तो यहाँ पे हम माइनस में ले लेंगे, तो यहाँ पे माइनस में ले लेते हैं, चलिए आगे में माइनस को अंदर लेके चले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा देखिए माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी एंड 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलिए फिर से पिछला वाला क्वेश्चन आपने देखा है उसी तरह से इसको करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमें क्या मिलता है, देखिए 2x माइनस वाई प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस वाई प्लस 2y माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2x हमारा है, ये 2x प्लस में है, ये माइनस में एक एक्स और दो एक्स कट गया, यहाँ पे माइनस वाई कट गया, अब ये माइनस वाई दो हो गया, तो यहाँ पे एक प्लस में कट गया, ये हमारा जीरो आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे हमारे सवाल में आ जाते हैं डायरेक्ट, तो 2x माइनस वाई का क्यूब प्लस माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस 2y माइनस एक्स का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तब हम इसको 3abc लिख सकते हैं, वही फार्मूला के बेस पे हम लोग इसको लिख सकते हैं जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे हमारा a प्लस बी प्लस सी जो है, c क्या था हमारा, इक्वल टू ज़ीरो होगा, ज़ीरो होगा जो कि फार्मूला में हमने पुट किया, उसके बाद ये 3abc आया है, और तो हमारा क्या होगा, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू abc आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू जीरो है, तो जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा वो जीरो हो जाएगा, तो हमारा प्लस में क्या बच जाता है, 3abc बच जाता है, इसलिए हमारा 3abc हो गया, तो 3abc आ गया, तो हमारा अब यहाँ पे पुट कर देंगे एक a का जो मान हमने माना था, तो यहाँ a इजकल टू क्या माना था हमने, 2x माइनस वाई, उसके बाद हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2y माइनस एक्स। अब ये माइनस वाई एक्स माइनस वाई को तोड़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस में ये माइनस बाहर आ जाता है इसका, तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस वाई, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 2y माइनस एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सात नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए टू द पावर सिक्स प्लस 32a³ माइनस 64। देखिए इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको भी हम क्यूब के फॉर्मूला में ही ले जाने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए टू द पावर सिक्स है,
यहाँ पे हम इसको 8a³ लिख लेते हैं, 8a³ लिखते हैं तो हमारा कितना बच जाएगा, 8, 8 4, 12, तो यहाँ पे अब हमारा बच गया है 24, 20 + 24, 24a³ और हमारा 64 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब ये 24a को उधर को ले जाते हैं, बाकी इधर हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए a² का क्यूब प्लस 2a³ माइनस 4 का क्यूब। अब लास्ट में हमारा क्या बच गया, देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस में 3 × a, यानी कि a यानी कि a² b यानी कि 2a, यहाँ पे 2 × a, और c यानी कि -4, ठीक है। तो ये हमारा देखिए 4 × 8 = 24, माइनस माइनस प्लस में 24a³ हो गया प्लस में। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं a³ + b³ + c³ - 3ab c के फॉर्मूला में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए ये क्या है हमारा, यहाँ पे a² बी क्या है 2a, सी क्या है -4, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है a² यानी कि a^4, 2 × 2 = 4 जुड़ जाएगा, प्लस b² यहाँ पे b² यानी कि 2 × 2 = 4a² माइनस प्लस c² तो प्लस में माइनस माइनस प्लस 4 × 4 = 16। उसके बाद माइनस ab यानी कि 2a × a² तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a³। उसके बाद माइनस bc यानी कि 2a × -4 तो माइनस माइनस प्लस 4 × 4 = 8, 8a, ठीक है। उसके बाद माइनस ये माइनस 4 × a² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 4a², ठीक है। अब हमारा देखिए और देखिए 4a है यहाँ पे, तो हम इसको और एक टर्म आगे लिखना पड़ेगा, 2a - 4, यहाँ पे देख जाइए हमारा a⁴ एक ही है, तो यहाँ पे a⁴ हो गया, यहाँ पे 4a² है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा देखिए 8a² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या बच गया, देखिए -2a³ + 8a + 16, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 8^6 - 18a³ + 125। चलिए पिछला वाला सम जैसा ये भी है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए 8^6 + 27a³, ठीक है, +125 - 45a³ लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए -45 में से -27 घटाएंगे तो हमारा -18 आ जाएगा। तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए a² का क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3a³ प्लस 5 का क्यूब माइनस 3 × a यानी कि a² बी यानी कि 3a और सी यानी कि 5, तो हमारे देखिए 5 × 15 = 45 ऊपर वाले से मिल गया, तो इसको हम a³ + b³ + c³ - 3ab c के टर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा a+b+c, उसके बाद क्या है a² यानी कि a⁴, b² यानी कि 3 × 9a² प्लस यहाँ c² यानी कि 25 माइनस ab यानी कि a² माइनस 3a³, यहाँ पे हो गया bc यानी कि -5 × 15a, ca यानी कि 5a² यानी कि 5 × 25a² सॉरी यहाँ पे 5a² सिर्फ a² है, ये मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे हमारा 8^4a² ये स्क्वायर यहाँ पे है, तो हम इसको और एक a² + 3a + 5 यहाँ पे हो गया 8^4, 9 में से 5 गया यानी कि माइनस में प्लस में 4a² हो जाएगा, यहाँ पे हमारा -3a³ को आगे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे -15a लिख लेते हैं, और लास्ट में हम
25 लिख लेंगे, तो यहाँ पे हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है पी क्यू इंटू क्यू माइनस आर का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब आर माइनस पी का क्यूब प्लस आर क्यूब पी माइनस क्यू का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी इंटू क्यू माइनस आर का क्यूब प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी का क्यूब प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू का क्यूब। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी क्यू माइनस पी आर का क्यूब प्लस यहाँ पे हो गया क्यू आर माइनस पी क्यू का क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका पी आर माइनस क्यू आर का क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलिए लेट मान लेते हैं पी क्यू माइनस पी आर इजकल टू ए, क्यू आर माइनस पी क्यू इजकल टू बी और पी आर माइनस क्यू आर इजकल टू सी मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर। यहाँ पे देखिए पी क्यू यहाँ पे प्लस में, यहाँ माइनस में, ये दोनों कट जाएगा। पी आर माइनस में, यहाँ प्लस में है, ये कट जाएगा। यहाँ पे क्यू आर प्लस में, ये माइनस में है, ये कट जाएगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू हमारा जीरो आ गया। अब जीरो आ गया तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, देखिए अब हमारा सवाल क्या दिया हुआ था, हमारा सवाल ये है तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू माइनस पी आर का क्यूब प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू का क्यूब प्लस पी आर माइनस क्यू आर का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं थ्री ए बी सी, 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आपने अभी देखा है उसी हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या दिया है, क्या हुआ, क्या हमारे पास है, ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू जीरो है, इसलिए सो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजकल टू थ्री ए बी सी होगा, क्योंकि जीरो इंटू जो भी मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन में टर्म होगा सारा जीरो हो जाएगा। तो हमारा दूसरे साइड में क्या बच जाएगा, सिर्फ थ्री ए बी सी बच जाएगा। तो यही थ्री ए बी सी यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसके बाद क्या होगा, देखिए तो ए बी सी का हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या है थ्री इंटू यहाँ पे हमारा पी क्यू माइनस पी पी आर, पी क्यू ए माइनस पी आर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए बी यानी कि क्या था हमारा क्यू आर माइनस पी क्यू और तीसरा टर्म क्या है हमारा, तीसरा टर्म हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी आप उत्तर लिख सकते हैं लेकिन हमारा देखिए सारे में अभी कुछ कॉमन है। यहाँ पे देखिए पी, यहाँ पे हमारा इसमें क्या कॉमन है, पी कॉमन है तो यहाँ पे थ्री इंटू पी तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू माइनस आर, यहाँ पे देखिए हमारा क्यू कॉमन है तो क्यू इंटू आर माइनस पी, यहाँ पे देखिए हमारा आर कॉमन है तो यहाँ पे पी माइनस क्यू, यहाँ पे थ्री इंटू पी इंटू का अभी साइन देने का जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई पी क्यू आर इंटू, सॉरी इसको बड़ा मैं ही लिखता हूँ नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, नीचे ही लिख लेते हैं इसको मिटा के। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ले आता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए थ्री इंटू पी क्यू आर इंटू क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी इंटू पी माइनस क्यू, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी क्यू प्लस 1/PQ प्लस 26/27। देखिए इसको क्या करेंगे, उसी क्यूब के फॉर्मूला में हम इसको लेके जाएंगे, क्यूब के फॉर्मूला में लेके जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू प्लस 1PQ मतलब पी क्यू 1/P का क्यूब, इसको हम 26/27 को
वन माइनस वन बाई 27 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम इसको अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे 27, तो 27 माइनस वन यानी कि 26 बाई 27 हो जाएगा, तो हम इसको 27 वन माइनस 27 लिख सकते हैं। अब हमारा देखिए ये फॉर्मूला में दोबारा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा पी का क्यूब हो गया प्लस वन बाई पी का क्यूब हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस में ही हमको फॉर्मूला में तो लेना है, तो इसलिए माइनस वन वन बाई थ्री का क्यूब हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस वन, प्लस नहीं है माइनस में होता है, माइनस माइनस थ्री इंटू ए, ए यानी कि पी, बी यानी कि वन बाई पी, और सी यानी कि माइनस में वन बाई थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पी पी कैंसिल हो जाएगा, थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा यानी कि वन आ जाएगा, ये पूरा का कैंसिल होकर वन यानी कि ऊपर वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह प्लस ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, तो ए प्लस ए यानी कि ए प्लस बी प्लस सी यानी कि माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री। अब यहाँ पे देखिए आप ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि प्लस वन बाई पी स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि माइनस माइनस प्लस वन बाई नाइन, और यहाँ पे ए बी, ए बी यानी कि माइनस में ए बी, ए बी यानी कि पी इंटू वन बाई पी, पी पी कैंसिल हो गया यानी कि माइनस वन हो जाएगा। उसके बाद क्या है बी सी, बी सी यानी कि माइनस माइनस प्लस वन बाई पी इंटू वन बाई थ्री, माइनस सी ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका देखिए अब माइनस माइनस प्लस वन बाई थ्री पी, वन बाई थ्री इंटू पी, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं क्या, पी प्लस वन बाई पी माइनस वन बाई थ्री, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन बाई पी स्क्वायर प्लस, देखिए हमारा पर क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे वन बाई नाइन है, माइनस वन है और माइनस वन, और यहाँ पे प्लस में वन बाई थ्री पी प्लस पी बाई थ्री। अब इसको हम एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पी प्लस वन बाई पी माइनस वन बाई थ्री, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए पी स्क्वायर प्लस वन बाई पी स्क्वायर, तो इसको हम एलसीएम लेंगे तो नाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे नाइन माइनस सॉरी वन माइनस नाइन हो जाएगा, वन माइनस नाइन, वन माइनस नाइन हो गया, यहाँ पे प्लस वन बाई थ्री पी प्लस पी बाई थ्री। अब हमारा ये देखिए आंसर क्या हो गया, पी प्लस वन बाई पी माइनस वन बाई थ्री इंटू पी स्क्वायर प्लस वन बाई पी स्क्वायर माइनस माइनस नौ में से एक गया यानी कि माइनस आठ बटा में नौ प्लस वन बाई थ्री पी प्लस पी बाई थ्री, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो आठ पॉइंट चार जो चैप्टर है हमारा समाप्त हो चुका है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें जिनसे उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो पाए और थोड़ा हमारा भी फ़ायदा हो जाए। ओके टेक केयर, बाय।